good morning class third how are you all i hope you all are well this is your english period please take out your basic english grammar and composition book now please open page number 97 here so yesterday we have learned about preposition वट आई टोल्ड यू डेट प्रेपोजिशन इज द वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं कि प्रोनाउन का, का क्या रिलेशन है ओके okay? और दूसरी चीज जो प्रपोजिशन बताते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो वही बताते हैं कि कहाँ पे वो लोकेट करें उनकी पोजिशन क्या है किसी चीज की क्या पोजिशन है ठीक है सो so, हमने कल कौन कौन से प्रपोजिशन पढ़े थे ओवर अराउंड इन टू आउट इन फ्रंट ऑफ इन एंड डाउन आज हम कुछ न्यू प्रपोजिशन सीखेंगे ओके सो एथ वन इज माला इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स माला कहाँ खड़ी है नेक्स्ट टू द बॉक्स यानी उसके बिल्कुल ठीक बगल में नेक्स्ट टू द में कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक रो है जिसमें यहाँ पे ऋषभ है या वैभव है यहाँ धैर्य यहाँ पे अंशिका है यहाँ पे ऑनर है ठीक है ये सब क्लास थर्ड की लाइन लगी हुई है ठीक है और आप लोग ऐसे हो तो हम इसमें बोलेंगे ऋषभ इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वैभव क्योंकि उसके नेक्स्ट में खड़ा है इधर से इधर अब इसके बाद हम बोल सकते हैं वैभव इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू धैर्य या फिर ये भी बोल सकते हैं वैभव इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ऋषभ ठीक है जो आपको नेक्स्ट पर्सन होता है अगर आप उसके एक पर्सन के बगल में खड़े हो या एक थिंग के बगल में खड़े हो इस तरह से तो हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट टू ओके नेक्स्ट माला इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम क्या बोलते हैं वो ऊपर खड़ी है जैसे द इरेजर इज ऑन द बुक द बॉक्स okay? अब वो कहाँ पे है पीछे है बिहाइंड मीन क्या होता है पीछे होना किसी चीज के ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जब एक लाइन में खड़े हुए हैं अब आप ऐसे खड़े हो पहले आप कैसे खड़े थे हॉरिजॉन्टली खड़े थे सीधे होके अब आप ऐसे खड़ो तब मैं बोलूँगी यहाँ पे धैर्य है यहाँ ऋषभ है यहाँ वैभव है आई विल से धैर्य क्योंकि आप उसके पीछे हो ये फ्रंट है आप इसके पीछे हो ठीक है तो क्या बोलेंगे हम ऋषभ इज स्टैंडिंग बिहाइंड धैर्य एंड वैभव इज स्टैंडिंग बिहाइंड ऋषभ ओके यानी पीछे माला इज सिटिंग इन साइड द बॉक्स अब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम क्या बोलते हैं इन ठीक है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम क्या बोलते हैं इन जैसे आपके कबर्ड में आपके कपड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं द क्लोथ्स आर इन साइड द कबर्ड ओके नेक्स्ट माला इज स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स अब जैसे एक ट्री है उसके नीचे जाके आप खड़े हो जाओ तो हम क्या बोलेंगे टैंड अंडर द ट्री क्यूकि आप उसके नीचे हो एक ट्री है आप उसके नीचे खड़े हुए हो तो हम क्या बोलेंगे यू आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री क्योंकि आप उसके नीचे हो नेक्स्ट माला इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस अब यहाँ पे ऋषभ बैठा है यहाँ धैर्या बैठा है बीच में वैभव बैठा है तो हम क्या बोलेंगे वैभव इज सिटिंग बिटवीन ऑफ ऋषभ एंड धैर्या जब हम छोटे थे तो हम वर्ड्स का बिटवीन पढ़ते थे ना उसका मतलब क्या होता था यहाँ पे ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर के बाद क्या आता है फिर ट्वेंटी सिक्स लिख देते थे तो ये क्या होता था बिटवीन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सिक्स के बीच में क्या आता है ट्वेंटी फाइव तो हम क्या बोलेंगे ट्वेंटी फाइव इज बिटवीन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स गोट इट नाउ द लास्ट वन इज माला इज गोइंग थ्रू द बॉक्स अब कोई चीज इस तरह की है यहां से खाली है और यहां से खाली है ठीक है और कोई चीज के अंदर से जा रही है तो हम क्या बोलेंगे थ्रू जैसे कोई टनल होता है तो हम क्या बोलते हैं द पर्सन इज गोइंग थ्रू टनल क्योंकि वो उसके बीच से जा रहा है यहां से जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है या यहां से जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है ठीक है सो दीज आर सम सो विद दिस अ क्लास एंड रेस्ट वी विल रीड थैंक यू and have a nice day.